बदलते भारत की शान। जरा सुनो तो, जी कहिए। क्या तुम लोग ही मालिनी आत्मसहायक गुट की सदस्य हो? जी नहीं। यह वो नया गांव नहीं है क्या? यह दो है। दो? अच्छा अच्छा, तो ये नया गांव दो है। इसका मतलब मैं जिस गांव को ढूंढ रहा हूं वो ये नहीं है, वो है। मैं कर्मशाला में आया हूं। क्यों, तुम लोग नहीं जाओगे क्या? मैं करवाऊंगा। क्यों जाऊं, क्या होगा? क्या होगा मतलब, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सकोगी। ओ, तब क्या होगा? स्वनिर्भरशील। स्वनिर्भरशील होना मतलब आत्मसंतुष्टि से जीना और दूसरों को भी सहायता कर सकती हो। तो फिर अब क्या कर रही हूँ? बुरा मत मानिए कोकाइडो, ज्यादा बोलती है ना। वो है आपका गांव, सीधा जाकर दाहिने मोड़ते ही एक नामघर मिलेगा, वहां किसी को पूछ लीजिएगा। ठीक है। नौबो, क्यों रोक दी? मैंने कुछ गलत कहा क्या? गलत नहीं कहा, लेकिन ठीक भी नहीं कहा। अपने पैरों पर खड़ी होना कितना बड़ा बात है ये बाद में समझोगे। अभी चलो। आज बहुत देर हो गई, ढेर सारा काम पड़ा है। नौबो, मैं हाथ बटा दूंगी। क्यों, तुझे घर नहीं जाना है? घर में रहने को मन ही नहीं करता है। फिर से झगड़ा? मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, पर माँ हमेशा बकबक करती रहती है। माँ ही तेरी भलाई के बारे में ही सोचती है। मेरी भलाई? वह मेरी भलाई के बारे में नहीं सोचती है, वह सोचती है कि मैं शहर चली जाऊँ, शहर जाकर नौकरानी बनूँ और वे गांव के बूढ़े। मने चुप कर, वो तेरी माँ है, ऐसे मत सोच, पाप है पाप। पाप हो या पुण्य, पर यही सच है। माँ उस गांव बुरा के वहाँ काम करने जाती है और काम करने के बहाने वो दोनों चुप चुप के मिलते हैं। अब रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। तू सच में उसे प्यार करती है? उसके साथ भाग जाएगी? सोच रही हूँ पर पता नहीं। दरअसल मैं आजा। अरे रुको, आ रही हूँ। नौबो, मैं चलती हूँ, शाम को वापस आऊंगी।
बोलो, क्या बोलना चाहते हो? थोड़ी देर आराम से बैठो तो सही। मैं तेरे साथ बेकार बैठे नहीं रह सकती, घर पे बहुत काम है। देखो, तू दिन भर नबो के साथ गप्पी लगाती रहती हो और मेरे साथ रहने के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ नहीं है। तेरे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, तू समझती क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, माँ से मेरे हाथ ही मांग ले। बाप रे, तेरी माँ मुझे काट डालेगी। ना खेती बाड़ी का काम आता है, ना कुछ नौकरी करते हो, सिर्फ बिहू पूजा के नाम से चंदा इकट्ठे करते रहते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? अरे वाह, तेरी जबान तो साकू से भी तेज है, कभी तो मीठी मीठी बातें बोलो। जब पेट खाली हो, दिमाग भारी हो, कैसे जुबान से मीठी बात निकल सकती है? कुछ कर, कुछ कर। ले जा मुझे यहाँ से। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे और कब होगा? जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और इसी सिलसिले में आज मुझे शहर भी जाना है। मैं चलता हूँ, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बाईती? बेटी कहाँ से आ रही हो? टाउन से आ रही हूँ बेटी, जानती हो यही तो मेरा रोजगार है। ठीक है बेटी, अंदर चलो। पद्मा, तुम बहुत अच्छी काम कर रही हो, लोगों की उपकार में आ रही हो। क्या बताऊं बेटी, आजकल के लोग अजगर जैसा मन, इतनी लालच, उपकारी बोलने को शायद ही कोई मिले। क्या कुछ हुआ है? क्या बताऊं बेटी, कभी कभी लगता है धूप में अपने आप को जलाकर कब तक ऐसे आते जाते रहूंगी। सोचती हूँ टाउन में ही रह जाऊं। ठीक है राधा, पद्मा को साय पूछना, शाम होने से पहले मैं बागान से कुछ सब्जियां लाती हूँ। और राधा कैसी हो, काम हुआ ना मेरा? खुड़ी देव, सोफा सेट की कढ़ाई आधा बाकी है, आज आप दूसरा ही कुछ ले जाइए। अच्छा ठीक है। तेरी हाथों की कढ़ाई महीन है, शहर में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं, पर हम तो असली खरीदार को देख ही नहीं पाते। जगत कैसे है? राधा, अच्छा या खराब, क्या कहूँ खुरीदेव? एक्सीडेंट के बाद 1 साल तक बिस्तर में ही है, बाहर ले जाकर इलाज भी नहीं कर सकती। राधा, आ रही हो? मैं भी चलती हूँ, थक कर आई हूँ ना। चाय तो पीकर जाइए। रहने दो, जगत तुम्हें बुला रहा है, उसके पास जाओ, मैं चलती हूँ। ठीक है खुरीदेव। अब आपको क्या कहूँ सर, हमें बुरा लग रहा है कि इतना समझाने के बाद भी कोई आया नहीं।
कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। और क्या इसी वजह से हम ये सब करना छोड़ देंगे? तुम आए, बायदो आई, इसमें भी तो एक आशा की किरण है। सर, इसमें आपको आशा की किरण दिखाई देती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज यदि लोगों में अनुभूति जगी है तो कल उनमें परिवर्तन की आशा हम कर सकते हैं। सारे शिक्षित बेरोजगार नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सरकारी ताकझाक में सब फंसे हुए हैं, परिवर्तन आया तो कैसे? आज के जमाने में सिर्फ नौकरी की चाह रखना उचित नहीं, डिजिटल युग में आदमी से ज्यादा मशीनों की जरूरत है। और यह भी ठीक है कि सरकार कितने लोगों को संस्थापन देगी, हमें दूसरा विकल्प ढूंढना होगा और सरकारी योजनाओं को लागू करना होगा। सर, एक बात कहूं, मुझे संदेह है कि इसके पीछे कुछ दुष्ट शक्ति का हाथ है। मतलब? बहुत दिनों से देख रहा हूं कि प्रगतिमूलक योजनाओं के रूपायण में कोई ना कोई रुकावटें पैदा होती ही है। निश्चित रूप से किसी ना किसी का साथ तो निहित होगा ही। ये सब अलग बात है, ऐसी परिस्थिति आएगी तो देख लेंगे। सबसे पहले हमें स्वयं निर्भरशीलता के प्रति जिन लोगों का लगाव है उन्हें आगे लाना होगा। ठीक है, एक काम करो, इन्हें रखो। 200 में करीब 20 लोग भी अगर इसे देख लें तो समझ लो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। रुकिए तो, दादा चंदे तो देते जाइए, सिर्फ 200 लिखे हैं, दीजिए। मैं तो चंदा नहीं दूंगा। दादा ये तो रंगाली बिहू की चंदा है, मतलब फंक्शन है, फंक्शन मतलब कल्चरल नाइट। हाँ, देना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा ना भाई, रंगाली बिहू के कल्चरल फंक्शन के लिए मैं कोई चंदा नहीं दूंगा। और मैं क्यों, और बहुत सारे लोग हैं जो चंदा नहीं देंगे। लेकिन फंक्शन देखने तो सभी आते हैं ना। हाँ, आएंगे तो जरूर। और तुम लोगों को किसी ने जोड़ दिया है सब करने के लिए? देखो, तुम लोग लाइब्रेरी खोलो, कर्मशाला रखो, मैं हूं ना सहायता के लिए। लेकिन ये चंदे वंदे के लिए तो बिल्कुल नहीं। अरे दादा, अरे ये चला गया। अरे जाने दे यार, बहुत देखा है ऐसे समाज सेवक, दोबारा आने दे, देखना क्या हालत करता हूं। क्या देख रहा है, चल। ठीक है, चलो। बहुत देखी है तेरी जैसी, सिर्फ 200 रुपए लिए थे, 2 लाख नहीं। अरे ओ, तेरे शराबी पति ने तुझे जब मार मार के भूसा बना दिया था, कौन लेके गया था अस्पताल? मैं लेके गई थी, कोई आगे नहीं आया था। इतना खर्चा हुआ है पता है? माँ माँ, चलो अंदर आओ, क्या हर वक्त दूसरे के साथ झगड़ा करते रहती हो, आओ अंदर आओ। अच्छा, मैं झगड़ा करती रहती हूँ ना? हाँ, किसके लिए करती हूँ झगड़ा? हाँ, अगर मैं झगड़ा नहीं करती ना तो ये गांव वाले खा जाते हम दोनों को, समझी? और ये सब क्या लगाया? हाथ में मेहंदी लगाकर तू किसे लुभाने जा रही है? मुझे किसी को लुभाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ। क्या? हाँ, क्या बोला तुमने, मेरी जैसी? हाँ, मतलब मैं क्या बोलना
करती है तू? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल, मेरी जैसी नहीं बननी है, पर तू कहाँ कहाँ गप्पे मारती फिरती है सब पता है मुझे। वो बेकार मानिक के साथ तू कहाँ कहाँ घूमती फिरती है? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल, बोल। हाँ हाँ, मार दे मुझे, बचपन में ही नमक खिलाकर मार देना चाहिए था मुझे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राधा, कहाँ हो? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लकड़ी गीली है ना, फूक फूक के थक गई। दवाई भी खत्म हो गई, दर्द बढ़ेंगे, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो चिंता ही खाई जा रही है, आधे के धान 7 महीना तक नहीं जाएंगे, तेल नमक नहीं, पर दाया के लिए तो पैसा सही। अब आप मुझे मत रोकिए, गांव के लोगों की बातों से ज्यादा उनका कष्ट बड़ा है, सोच रही हूँ कुछ करो, बस आप थोड़ी देर उनको देखिएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटी, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मनी, कहीं जा रही है क्या? और नहीं तो क्या, पढ़ा लिखा भी नहीं सके, जो कुछ करके मैं खुद खाऊं और तुम लोगों को भी खिलाऊं। गांव घूमना और तेरी जी खाने के अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं। जुबान तो तेरी बहुत चल रही है, पढ़ा लिखा भी नहीं सके, पढ़ लिख के तो क्या कर लेती? हाँ, क्या कर लेती? बहुत कुछ कर लेती। राधा भी तो बहुत पढ़ी लिखी है, फायदा क्या हुआ? वो भी तो अब चल रही है ना। माँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों के नहीं। अरे, पैसे कमाने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मेहनत कर, मेहनत। वो कार्तिक आया था ना शहर से तुझे ले जाने के लिए, महीने में 4,000 देने वाला था। कितनी बार कहूँ, मुझे नौकरानी नहीं बननी तेरी तरह। नौकरानी नहीं बननी है तो क्या महारानी बनेगी तू? ये नौकरानी नहीं होती ना तो रास्ते में भीख मांग रही होती। तेरी शराबी बाप ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। Thank you.
क्या हुआ? माँ ने फिर से डांटा? नोबो, माँ के लिए बुरा लगता है, दिखा भी नहीं सकती, लेकिन उनका कष्ट अब मुझे सहन नहीं होता है। क्यों इतनी गरीब होकर जन्म ली? समझती हूँ, माँ की डर तुझे खाई जा रही है। तू सिपाही है, पढ़ाई लिखाई जो हुआ सो हुआ, अब परिवार की भलाई के लिए कुछ क्यों नहीं करती है? या मानिक के साथ भाग जाने की तैयारी में बैठी है तू? दिन भर माँ के साथ झगड़ा करती हूँ, उसे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। मानिक भी बेरोजगार है। नोबो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। वही तो, मैं भी तो वही बोल रही थी ना। क्या सोच रही है? मेरी हालात भी वैसे ही है। चलो, उस दिन जो आदमी मिले थे उसके पता ले आती हूँ, शायद कुछ मदद मिल सके। कल मीटिंग देने के लिए जो आदमी आया था वह रहता कहाँ है? मीटिंग? कहाँ की मीटिंग? वो कर्मशाला। हाँ, कर्मशाला होने की बात थी लेकिन नहीं हुई। झूठ मत बोलो, इस गांव का पता हमसे ही ली गई थी और तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई। क्या तू भी उस आदमी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई? वो खुद एनजीओ चलाते है और एनजीओ को लुटते है, यहाँ तो हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल वो फान के लिए मीटिंग वगैरह करते रहते है। ऐसी बात नहीं है कोकाइडो, मैं जहाँ तक जानता हूँ वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है। वो 2 महीने पहले ही नौकरी छोड़ के आया है, निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता है। वो खुद के मन के संतुष्टि के लिए ये सब करता रहता है। इतना कुछ जानते ही हो तो बता भी दो, कहाँ मिलेगा? हाँ, वो कभी कभी आता है हमारे सेहू संघ में। उस दिन एक लड़का आया था कर्मशाला में बुलाने के लिए। वही तो, तुम लोगों ने उसे भी होने नहीं दिया। अब लो, ये लोग गाँव का नाम रोशन करेंगे। हाँ करेंगे, तुम लोग क्या कर लोगे? हाँ मनी, चल चलते हैं। क्या क्या कर लोगे? चल चल चलते हैं। क्या है? जब गांव बूढ़ा मुझे बुरी नजर से देख रहा था तब तो कोई आगे नहीं आया था मुझे बचाने के लिए। अच्छे दिन, हाँ अच्छे दिन। दिन भर कहाँ गई थी? दिन भर किसके साथ कुंचड़े उड़ा रही थी? मीरा को मैं अपने लालमाटी के फल संवर्धन प्रशिक्षण केंद्र है ना, वहाँ लेके जाऊंगा। घर में एक खाने वाला कम हो जाए सिर्फ इस वजह से तुम अपने मन को मार कर किसी दूसरे के साथ शादी कर लोगी?